शादी हो या फिर कोई और फंक्शन, लोग मेकअप करवाना कभी नहीं भूलते हैं। कोविड के दौरान शादियां नहीं हो पाई, लेकिन जितनी भी हुई उसके अंदर थोड़ी बहुत गैदरिंग जरूर थी, और उसके अंदर चाहे दुल्हन हो या दुल्हा हो या रिश्तेदार हो, वो मेकअप करवाने के लिए भले ही किसी सैलून पर ना गए हों, लेकिन उन्होंने घर पर ही एक फ्रीलांस मेकअप आर्टिस्ट को बुलाया, मेकअप करवाया और अपने फंक्शन में बेहतरीन हिस्सेदारी निभाई। आज हम आपको लेकर आए हैं टिज़मा इंटरनेशनल यानी कि ताराज इंडियन स्कूल ऑफ मेकअप आर्टिस्ट, यानी कि यहाँ से बहुत सारे मेकअप आर्टिस्ट निकलेंगे जो बॉलीवुड में भी अपना कदम रख सकते हैं, फ्रीलांस मेकअप आर्टिस्ट बन सकते हैं या फिर किसी सैलून में काम कर सकते हैं, अपना सैलून खोल सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि टिज़मा इंटरनेशनल जो यूके से एफिलेटेड है, यानी कि जो भी यहाँ पर मेकअप आर्टिस्ट का कोर्स करेगा वो बॉलीवुड के अंदर भी जा सकता है एज ए मेकअप आर्टिस्ट के तौर पर, और अगर उसने बाहर जाकर कोई और कोर्स करना है या फिर बाहर जाकर अपनी किस्मत आजमानी है तो उसे आसानी रहेगी। साथ ही साथ कई और शॉर्ट टर्म कोर्सेज हैं और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो यहाँ के हम डायरेक्टर से जानेंगे, यहाँ के जो तमाम लोग हैं उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि किस तरीके से कोविड के दौरान भले ही थोड़ा सा इसमें रुकावट देखने को मिली हो, लेकिन उसके बाद लोग लगातार फिर से उसी तरफ रुक करते हुए नजर आ रहे हैं, यानी कि टिज़मा इंटरनेशनल की तरफ। साथ ही साथ मेकअप आर्टिस्ट के तौर पर क्या कहना चाहेंगे हेमंत जी, किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि बॉलीवुड से जुड़ी हुई बात हो या फिर हम फ्रीलांस मेकअप आर्टिस्ट बनना चाहें तो एक बेहतरीन ऑप्शन है टिज़मा इंटरनेशनल। बिल्कुल, क्योंकि हमारे यहाँ जो कोर्सेज हैं वो एक तो हर तरह के हैं, कोई स्टूडेंट हैं जिसको शॉर्ट टर्म कोई कोर्स करना है, किसी को सेल्फ मेकअप में करना है, नेल आर्ट में जाना है, उसके बाद फिर इलेबोरेट कोर्स हैं, बड़े कोर्स हैं, 6 महीने का कोर्स है, 1 साल का कोर्स है, जिसको करके अगर वो चाहें सो वो अब्रॉड जा सकते हैं, बिकॉज हम लोग सिटी एंड गिल्ड्स यूके से एफिलिएटेड हैं, तो जो हमारा सर्टिफिकेशन है वो भी यूके से आता है, और सिटी एंड गिल्ड्स 84 देशों के अंदर है, तो उन 84 देशों में अगर कैंडिडेट कहीं पे भी जाना चाहता है तो वो वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकता है। उसको वो जालसाज जो ठग बैठे हुए हैं जो वीज़ा के नाम पे लाखों रुपए उनसे बटोर लेते हैं, वो करने की ज़रूरत नहीं है, वो एक फ़ीस देकर एक एजुकेशन लेकर अब्रॉड सेटल हो सकता है, वहाँ पे जॉब कर सकता है, प्रॉस्पेक्ट्स बहुत अच्छे हैं। एंड चूँकि मैं बॉलीवुड को बिलोंग करता हूँ और जो डायरेक्टर हैं कंपनी की तारा जी, उन्होंने जब ये शुरू किया उन्होंने मेरे साथ डिस्कस किया और मैं भी इसमें इन प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व हुआ, तो मेरी वजह से इसमें हमने एक बॉलीवुड का सेगमेंट रखा है, और बॉलीवुड का सेगमेंट रखने से ये है कि जो लोग बॉलीवुड में एज ए मेकअप आर्टिस्ट और हेयर स्टाइलिस्ट जाना चाहते हैं उन बच्चों को हम 1 महीने इंटर्नशिप करवाएंगे बॉलीवुड में ऑन सेट। हम लोगों ने टाई अप्स किए हुए प्रोडक्शन हाउसेस से और वहाँ के बड़े मेकअप मैन से, तो ये बच्चे वहाँ पे जाएंगे उनके अंडर के अंदर 1 महीना ऑन सेट, वो चाहे फिल्म की शूटिंग चल रही हो या किसी सीरियल की हो, तो ये वहाँ पर वो सीखेंगे कि फिल्म मेकअप किस तरीके का होता है, क्योंकि हर मेकअप का एक अलग अंदाज होता है, एक अलग तरीका होता है, तो ये बच्चे वहाँ जाकर वो सीखेंगे, और ये चॉइस उनकी, अगर वो बॉलीवुड में जाना चाहेंगे तो बॉलीवुड में चले जाएंगे। तो ये एक हमारी USP है टिज़मा इंटरनेशनल की, जो कि और जितने बाकी लोग बॉलीवुड की तरफ इतना रुख नहीं करते हैं क्योंकि उनके संबंध ही नहीं होते हैं। जी बिल्कुल, एंड जो सबसे बड़ी चीज़ है कि अगर वो सिखा भी दें तो सबसे बड़ी ऑनलाइन उनको ऑन सेट ट्रेनिंग, कि वो वहाँ पे जो एक्सपर्ट बॉलीवुड मेकअप आर्टिस्ट हैं उनके साथ रहकर सेट पे कैसे काम होता है, कैसे मेकअप किए जाते हैं, वो चीज़ें ट्रिक्स सीखेंगे, ये सिर्फ हम प्रोवाइड कराते हैं। तो आप ये कह सकते हैं हिंदुस्तान में इस तरह की ये हम पहली ये इंस्टीट्यूट है, ये एकेडमी है जो बॉलीवुड पे भिजवाती है। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। टिज़मा इंटरनेशनल यानी कि अगर आप बॉलीवुड में कदम रखना चाहते हैं एज ए मेकअप आर्टिस्ट तो आपको ऑन सेट इंटर्नशिप करने का मौका मिलेगा, ट्रेनिंग करने का मौका मिलेगा। बहुत बड़े बड़े आर्टिस्ट होते हैं, चाहे वो सीरियल के हों, वेब सीरीज़ के हों, एड शूट हो या फिर फिल्म की शूटिंग हो, वहाँ पर जो बड़े बड़े मेकअप आर्टिस्ट हैं उनके अंडर में आपको काम करने का मौका मिलेगा, उनके साथ आपको काम करने का मौका मिलेगा। हमारे साथ टिज़मा इंटरनेशनल की डायरेक्टर तारा जी भी मौजूद हैं। मैम किस तरीके से देख
देखते हैं, क्योंकि पहले यशपाल शर्मा जी यहाँ पर आए, उसके बाद महिमा चौधरी जी आई, अप्रिशिएट भी करते हैं, इनोग्रेशन पर भी आते हैं, और कोई भी फंक्शन होता है तब भी वो लोग आते हैं, उससे जो यहाँ पर लोग सीख रहे हैं उन्हें भी काफ़ी मोटिवेशन मिलता होगा। राइट, बिल्कुल सही। एक्चुअल में अब तक जो मेकअप को है ना, बहुत छोटे उस फ्रेम के अंदर कैद किया हुआ था लोगों ने, तो हमें जब हम मेकअप के एक एक्चुअल में जो टिज़मा इंटरनेशनल के थ्रू हमने इसको एक बड़ा फ्रेम देने की कोशिश की है, जिसके अंदर जो मेकअप है, मेकअप कितनी पहले सिर्फ लोगों को लगता था कि मेकअप का मतलब है बस शादियों के अंदर मेकअप, वो मेकअप है ही, वो तो है ही, लेकिन हमने इसको और बड़े फ्रेम के अंदर कैसे बॉलीवुड के अंदर मेकअप होता है, कैसे हमारे अलग से जो स्पेशल इफेक्ट के मेकअप होते हैं, वो हम टिज़मा इंटरनेशनल के अंदर सिखाते हैं पूरा। अब जैसे अगर हम बात करें तो मेकअप आर्ट, जब मेकअप को हम प्रमोट करते हैं तो या हम मेकअप करते हैं तो पहले लोगों के अंदर एक ये वाला था कि अभी हम सलोन खोलेंगे या हमें स्टूडियो बनाना है, जबकि अगर कोविड ने सब लोगों को ये सिखाया कि अभी जो है कि आपको किसी सेटअप की ज़रूरत नहीं है, किसी सलोन की ज़रूरत नहीं है, जो सबसे ज़्यादा बेनिफिट हुआ इन दिनों वो फ्रीलांसर्स को हुआ, क्योंकि टाइम ऐसा था कि लोगों ने बड़े गैदरिंग से छोटी गैदरिंग पे आ गए, चाहे आपने 15 लोगों के बीच में शादी की है, चाहे 50 लोगों के बीच में शादी की है, ब्राइड तैयार हुई है, ग्रूम तैयार हुआ है, और जो रिलेटिव्स हैं, क्योंकि आप बेशक 50 लोगों के बीच में शादी कर रहे हैं लेकिन एल्बम तो बनेगा ही, तो उसके अंदर जो फ्रीलांस मेकअप आर्टिस्ट है उन लोगों को बहुत अच्छा फ़ायदा हुआ इसके अंदर। तो हमारी आज की जो हमारे पास एक्चुअल में हमारा पूरा का पूरा कंप्लीट हो चुका था, एक पूरा का पूरा बैच जो था, लेकिन हम उसकी क्योंकि कोविड आ गया था तो हम उनका सर्टिफिकेशन नहीं कर पाए थे, तो आज हमारे बच्चे जिन बच्चों ने हमारे पास वर्क किया, पूरा सीखा है, इवन उन बच्चों के एक्सपीरियंस से हमें ये पता चला कि इस बीच में कोविड के अंदर सलोन के अंदर उतने मेकअप नहीं थे जितने फ्रीलांसर्स को मिले हैं, तो उन लोगों को, उन बच्चों को प्रैक्टिकल जो नॉलेज हुई वो वाली चीज़ें आपको सिर्फ फ्रीलांसिंग के अंदर। तो आगे से एडमिशन कब शुरू हो रहा है दूसरे बैच? एडमिशन अब हमारे पास जो एडमिशन है वो सिटी एंड गिल्ड, अगर आप एक साल का कोर्स करना चाहते हैं हमारे पास, उसके बैचेस जो शुरू हो रहे हैं वो हो रहे हैं सितंबर में, और उसके अलावा अगर आप जो शॉर्ट का टर्म कोर्स करना चाहते हैं, इंस्टेंट जो 2 मंथ्स का हमारा कोर्स है, वो नेक्स्ट मंथ 11 से शुरू हो रहा है, 11 जुलाई से उसका बैच शुरू है। इसके अलावा बीच में अगर आप ऑलरेडी इस फील्ड के अंदर वर्क कर रहे हैं काफ़ी टाइम से, लेकिन आपको ये लगता है कि हमें कुछ और इम्प्रूवमेंट की, टेक्निक्स की या प्रोडक्ट्स की नॉलेज की ज़रूरत है, तो हमारे पास टाइम टू टाइम 1 डे की क्लास भी होती है, और इसके अलावा हमारे पास 1 वीक की क्लासेस भी होती हैं। अभी हम ये देख रहे हैं कि अब दोबारा से खुलने लगा है, तो आजकल वो वाला लाइफस्टाइल नहीं है कि आप विदाउट मेकअप बाहर निकल जाएं, तो अभी हमारा जल्दी हमारा जो लॉन्च हो रहा है वो हो रहा है सेल्फ मेकअप का, तो हमारे पास वैरायटी। देखिए अगर हम स्कूल के अंदर है, स्कूल के अंदर कोई भी एक सेगमेंट ये नहीं होता कि एक सेगमेंट एक बार में चल रहा है, क्योंकि हमारा स्कूल है, हमारे पास स्टाफ अवेलेबल है, एक्सपर्ट्स हैं सिखाने के लिए, तो हमारे पास सारी चीज़ें पैरेलल चलती हैं, हमारे पास सेल्फ मेकअप की लर्निंग भी हो रही है, हमारे पास शॉर्ट कोर्सेज भी हैं, हमारे पास जो ऑलरेडी इस फील्ड में काफ़ी काम कर रहे हैं, साथ सब पैरेलल चल रहा है, तो टाइम टू टाइम उनके हम बैचेस जब होते हैं तो अनाउंस कर देते हैं, अदरवाइज हमारे पास रेगुलर क्लासेस चलती हैं। तो मेकअप के क्षेत्र में आप अगर करियर बनाना चाहते हैं तो आपके पास एक बेहतरीन मौका है, अगर आप सेल्फ मेकअप भी सीखना चाहते हैं तो भी आप यहाँ पर आ सकते हैं। 2 महीने का कोर्स हो, 3 महीने का कोर्स हो, या फिर 1 साल का कोर्स हो जो यूके की यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड है, साथ ही साथ अगर आप इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं और आपको लगता है कि आप में थोड़ी सी कमी है, आपको प्रोडक्ट्स की नॉलेज नहीं है, आपको टेक्निक्स की नॉलेज नहीं है, तो आप यहां पर आकर सीख सकते हैं, और भी तमाम लोगों से बातचीत करेंगे कि उनका जो 1 साल का अनुभव था वो कैसा रहा, फ्रीलांस उन्होंने कैसे काम किया, कोविड के दौरान उन्होंने कैसे काम किया, क्योंकि कोविड के दौरान सैलून से ज़्यादा फ्रीलांस के पास मेकअप के काम आए और लोगों ने उसे बखूबी निभाया भी सही। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं टिज़मा इंटरनेशनल की, जो सेक्टर 7 में स्थित है। अगर आप सीखना चाहते हैं मेकअप आर्टिस्ट का कोर्स तो आप आ सकते हैं। ये तमाम बच्चे जिन्होंने, ये खूबसूरत तमाम आप लड़कियां देख रहे हैं आज जो मॉडल के तौर पर हैं, इन्हें मेकअप आर्टिस्ट ने ही तैयार किया है। मेकअप एक ऐसी चीज़ होती है जिसके ज़रिए कोई भी इंसान को और ज़्यादा खूबसूरत बना दिया जाता है, चाहे वो आप फिल्म में देखते हैं, चाहे आप वो सीरियल के दौरान देखते हैं, या वेब सीरीज़ के दौरान
दौरान देखते हैं, जो एक असली चेहरा होता है उसी के साथ साथ जुड़ता हुआ एक और दूसरा चेहरा आपको स्क्रीन पर देखने को मिलता है। हमारे साथ कुछ मेकअप आर्टिस्ट मौजूद हैं, उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि कोविड के दौरान का अनुभव उनका कैसा रहा, क्या कहना चाहेंगे। आपने टिज़्मा इंटरनेशनल पर कोर्स किया, सीखा, और क्या कैसा अनुभव रहा, कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? पहले तो मेरा नाम सांची कपूर है और मैं टिज़्मा इंटरनेशनल की स्टूडेंट हूँ। मैंने लास्ट दिसंबर में ज्वाइन किया था एंड 2 months मैंने यहाँ पे सीखा एंड इट वाज अ वेरी वंडरफुल जर्नी। उसके बाद कोविड आ गया तो हमारी सर्टिफिकेशन आज हो रही है। इन बिटवीन जब कोविड आया तो मुझे ऐसे लगा कि शायद अब मैंने इतना पैसा लगा कर सीखा भी है बट रिस्पॉन्स ज़ीरो आएगा, बट नो, रिस्पॉन्स वॉज अमेजिंग। लोगों ने मेरा काम बहुत पसंद किया एंड कॉन्टिन्यूसली मुझे बुकिंग्स भी आ रही थी टिल नाउ। मुझे आज अभी भी बुकिंग्स आ रही हैं एंड आई एम वेरी सेटिस्फाइड विद टिज़्मा इंटरनेशनल। सारा मैम इज़ दी ओनर ओनर ओवर हियर एंड मैम बहुत अच्छा सिखाते हैं, टिप टू टो उन्हें मेकअप की पूरी नॉलेज है एंड हर चीज़ का उनके पास जवाब है, ईच एंड एवरी आंसर शी इज़ हैविंग। तो आई थिंक अगर किसी को आगे भी किसी को सीखना है तो यू शुड कम ओवर हियर। तो आप देख सकते हैं ये एक्सपीरियंस उन्होंने बताया, ये अनुभव बताया कि कोविड के दौरान का अनुभव कैसा रहा। और भी तमाम बच्चे हैं, उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि उनका क्या कुछ कहना है। तो ये तस्वीरें हम आपको टिज़्मा इंटरनेशनल की दिखा रहे हैं। कुछ और बच्चे भी हमारे साथ मौजूद हैं जिन्होंने मेहनत की है टिज़्मा इंटरनेशनल में, और यहाँ पर जो डायरेक्टर मैम हैं तारा मैम, उन्होंने तमाम बच्चों को सिखाया कि किस तरीके से आपने अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है और मेकअप करना है। बहुत से बच्चे बॉलीवुड की तरफ कदम रखते हैं, बहुत से बच्चे फ्रीलांस करते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे, कैसा अनुभव रहा आपका टिज़्मा इंटरनेशनल के साथ? पहले तो मैं माइसेल्फ श्रुति, मेरा बहुत अच्छा रहा। एक्चुअली मैं दिल्ली से आई हूँ यहाँ पे सीखने, मैं करनाल की नहीं हूँ, तो मेरे को तो बहुत ही अच्छी नॉलेज मिली है यहाँ पे। मैंने भी एक्चुअली दिसंबर में ज्वाइन किया था तो कोविड आ गया और मैं ट्रैवलिंग भी नहीं कर पाई, तो उस वजह से मेरा कोर्स बीच में ब्रेक हो गया, फिर कोविड ख़त्म हुआ, फिर आना शुरू हुआ, तो बहुत सारी हमें मतलब जानने को मिला। और अब मैं एज अ फ्रीलांसर हूँ, अभी तक तो कोई बुकिंग्स मेरे को मिली नहीं कोविड की वजह से, तो सो होप फॉर द बेस्ट कि अब आगे मिलें। हाँ, यहाँ पे मुझे नॉलेज बहुत मिली है, सो इसके लिए मैम को मैं थैंक्स बहुत बोलना चाहूँगी, सो थैंक यू। क्योंकि बुकिंग के दौरान ये जो नॉलेज मिली है वो काफ़ी काम आएगी। या ऑफ कोर्स, सो देखते हैं आगे, होप फॉर द बेस्ट। तो आप देख सकते हैं तमाम बच्चों ने यहाँ पर बहुत कुछ सीखा। एक और हमारे साथ लड़की हैं जिन्होंने यहाँ से कोर्स किया है, उनके बारे में हम जान लेते हैं। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे, कैसा अनुभव रहा आपका? आई एम ख्वाहिश चावला, मुझे बहुत अच्छा लगा टिज़्मा इंटरनेशनल से कोर्स करके। कोई भी इतनी अच्छी नॉलेज नहीं देता, बट मैं अपने मामू के थ्रू यहाँ पे आई हूँ, बट मैम ने मुझे बहुत अच्छा ट्रीट किया यहाँ पे, हर चीज़ की नॉलेज दी। तारा मैम ने, पल्लवी मैम ने हर क्वेश्चन का आंसर दिया, मुझे बहुत अच्छा लगा। आज मैंने करा है ब्राइडल मेकअप और मैं यहाँ पे स्टैंड हूँ, मतलब आज, और मैंने अपना कोर्स फ्री डांसिंग स्टार्ट कर दिया है। उन्होंने यहाँ पर आज मेकअप किया है, ब्राइडल मेकअप किया है, और आगे हम उम्मीद करते हैं ये बच्चे और ज़्यादा बेहतरीन प्रयास करेंगे, अपनी ज़िंदगी में कुछ अच्छा मुकाम हासिल करेंगे। तारा जो डायरेक्टर हैं यहाँ की, उन्होंने टिज़्मा इंटरनेशनल को आगे बुलंदियों पर वो लेकर जाते हुए नज़र आ रहे हैं। यशपाल शर्मा सर जो बॉलीवुड के अंदर एक बेहतरीन नाम है, हरियाणा से वो जुड़े हुए हैं, हिसार के वो रहने वाले हैं, उन्होंने भी यहाँ का इनॉग्रेशन किया था। उसके बाद महिमा चौधरी जो बॉलीवुड की सुपरस्टार हैं वो भी यहाँ पर आई थी, उन्होंने भी अप्रिशिएट किया था। आप भी करना चाहते हैं सेल्फ मेकअप का कोर्स या कोई और कोर्स जिसके जरिए आपको लगता है कि आप इस फील्ड के अंदर एक बेहतरीन करियर बना सकते हैं, तो आप आ सकते हैं टिज़्मा इंटरनेशनल, जो सेक्टर 7 में 778 नंबर यहाँ पर जो शॉप है, यहाँ पर जो हाउस है, वहीं पर इसे सिखाया जाता है, बताया जाता है, और यहीं से बहुत सारे बच्चे आगे निकलते हुए नज़र आ रहे हैं। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और बाकी तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ। नमस्कार।